ये आ गए, ये लो यार, जप्पी जुप्पी मत डालो, ये लो रिया जिस तो चीज तुम्हें चाहिए थी स्पेशली, ठीक है। तो मैं पहुंच चुका हूँ घर में वापस, एंड आप देख सकते हैं कि रिया गई हुई थी मेला देखने के लिए और दीक्षु भी गई थी साथ में, लेकिन दीक्षु क्या हुआ, देख तो रहे हो तुम भी कैमरा में, बट दीक्षु ना एक्चुअली मेला एंजॉय नहीं कर पा रही। आपको बताया कि आजकल इसकी तबीयत जो थोड़ी खराब चल रही है, इसके लिए अभी आते यहाँ पे लेट गई, और थोड़ी देर में ना अभी आने वाली है पल्लू भी ना, उसका कॉल आया, वो एक्चुअली ऊपर सड़क में पहुंच गई है, तो हम बड़ी एक्साइटमेंट से पल्लू का वेट कर रहे हैं। कितने टाइम के बाद आ रही है, कम से कम 5-6 महीने, ये 5-6 महीने के बाद पल्लू की जो वो घर में वापसी हो रही है। भाई तो बाजी खाने के लिए कर रहे हैं, क्या हुआ भाई, ऐसे कुछ मेरे लिए खाने को सभी वैसे ही कर रहे हैं, मैं भी वैसे कर रही हूं। जिन लोगों की जैसी सोच वो वैसा ही सोचते हैं, फिलहाल मैं कुछ नहीं सोच रहा कि मेरे को कुछ खाना। वेलकम वेलकम, तुम्हारे आने की खबर हमने सुनी ही थी, और क्या हाल चाल, ब्लॉगिंग हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल देखी है, और ठीक ठाक बढ़िया, कैसा लग रहा है आज इतने टाइम के बाद घर वापस आके, अमेजिंग, अभी तक तो आई मुझे इतना अच्छा, ढीली ढीली क्यों लग रही है तुम, मेरे को क्या हो गया, फिर भी इमोशनल इमोशनल तो नहीं होगी ज्यादा, क्या था बोलते हैं कि नहीं सही बताओ ना, तो अभी घर वालों ने ना पूरा मजाक बना के रखा होता है पल्लू का, खासकर कबू ने और खासकर दीक्षु ने, क्योंकि जैसे भी कोई मोमेंट रहती है, फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन था या कोई भी, जब हम घर में कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में पल्लू दूर होती है और पल्लू को लिटरली आ जाता है रोना, तो चलो अंदर रक्षाबंधन वाले दिन बड़ा रोना है, रहा रहा तो कसम से, चलो कोई नहीं होता है, अब पढ़ना लिखना और आगे तो पढ़ने के लिए ना, आपने मेरा हिस्सा बचाया हुआ रक्षाबंधन का, वो बिल्कुल हाँ तुम्हारा हिस्सा उसी पैकेट में पड़ा हुआ है वो, और साथ में अंदर तुम्हारे लिए ना कुछ लोग तुम्हारी ऐसे नहीं वेट कर रहे कि वो तुमसे मिलना चाहते, वो इन मतलब खाली बैग जो है ना इनके लिए वेट कर रहे कि कुछ खाने के लिए लेके आए हो, जैसे रिया होगी, चलो चलते अंदर। तो लीजिए जी, फाइनली पल्लू जो है वो पहुंच चुकी है, वेलकम करो, वेलकम सारे के सारे लोग, तेरे की दांत निकल रहे हैं इसकी तरफ देख के नहीं, तू भी हाग जा, तू भी कर ले हाग, वाह जी वाह, और अपने छोटे भाई भी पहुंच चुके हैं, तुम कब आए, पल्लू से मिलने आए, सही में नाइस टू मीट यू, ऐसा ऐसा होता नहीं है कभी भी, सच में क्यों आए, रीजन क्या है मेरे को तुमने, ओहो ये आगे ले, ये लो यार, जप्पी जुप्पी मत डालो, ये लो रिया जिस जो चीज तुम्हें चाहिए थी स्पेशली, ठीक है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर ही दिया। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ में ना हम लोगों के लिए एक बैड न्यूज भी है, और बैड न्यूज क्या है वो आपको मैं क्या बताऊँ, कोई आया और कोई चला भी गया, तो चला कौन गया, कबू, तो कबू जो है वो कुल मिला के अभी चंडीगढ़ वापस जा चुकी है। सर आपको पता है ना टाइम के साथ साथ में ऐसा अक्सर होता रहता है कि फैमिली जो है ना वो कभी जुड़ नहीं पाती, और कभी कभार जुड़ती है, तो अब कबू को हमने बहुत समझाया कि रुक जा, लेकिन उसका मैंने बहुत जरूरी था जाना, मतलब आप उन्होंने रूम वगैरह जो है वो चेंज किया हुआ है, तो ऐसे में कुछ आ रही होगी प्रॉब्लम्स है ना, मैंने कहा चलो भाई तुम चले जाओ, फिर ऐसे में हम तो पूरा पूरा रोक के बैठे, बट अब क्या कर सकते हैं, चलो बैठते हैं थोड़ी देर। वैसे तो दोस्तों प्यार पल्लू से पूरा पूरा है, लेकिन आप जो चीज़ें लेके आई है वो तो खानी पड़ेगी, यहाँ पे देखो कुछ मोमोज लाई है, कुछ चाउमीन लेके आई है, फिर साथ में मिठाई लेके आई है, और मम्मी के लिए क्या लेके आई है, इधर देखो मम्मी, दिखाओ दिखाओ मम्मी, ये लेकर आई, ये मेरे कपड़े हैं ना, तो ये देख रहे हैं, सारे के सारे ना पल्लू के जो मैले कपड़े थे पल्लू ने वो उठाए, और धोए भी नहीं है, धोए भी नहीं है, मैले लेके आ गई।